और इंशाल्लाह हमने पहले भी कैंप लगाया है और अभी भी कैंप लगाएंगे और इंशाल्लाह आगे भी कैंप लगाते रहेंगे। ऐसे लोगों की फलाही बहबूद के लिए काम करते रहेंगे हम लोग। कौम सिकंदरी के सदर दफर भाई और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेडिकल कैंप लगाना, इसी तरह नज़र न्याज के मामलात हैं, बहुत से ऐसे मामलात हैं जिसमें यह कम्युनिटीज़ बहुत आगे होती हैं। ज़फ़र भाई, आज माशाल्लाह से आपने जो ये कैंप लगाया है इसमें माशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी आपके साथ बैठी है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, आपके क्या कमेंट्स? अस्सलाम वालेकुम, पहले तो सब दोस्तों का जिन्होंने यहाँ पे आगे हमारी हौसला अफजाई भी की, खास तौर पर खलील भाई हो गए, साजिद भाई हो गए, शाकिर भाई हो गए, हमाद भाई हो गए, आसिफ भाई हो गए, इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। और हमारे बिरादरी के हमारे बड़े भी आए हुए हैं यहाँ बहुत सारे, और मेहमानों के लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, सब ने हमारा साथ दिया इस कैंप को कामयाब बनाने के लिए। और पीपल्स पार्टी से हमें यह है कि आगे जाके हमारे हौसला अफजाई और इसी तरह करते रहेंगे, और इंशाल्लाह हमने पहले भी कैंप लगाए हैं और अभी भी कैंप लगाएंगे और इंशाल्लाह आगे भी कैंप लगाते रहेंगे। ऐसे लोगों की फलाही बहबूद के लिए काम करते रहेंगे हम लोग। खलील भाई, आज का प्रोग्राम है जो माशाल्लाह से आई टेस्टिंग के हवाले से यहाँ रखा गया है कौम सिकंदरी के हवाले से, तो इसके बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं? आज यहाँ हम मौजूद हैं नानकवाड़ा के एरिया में, और यहाँ पर अंजुमन कौम सिकंदरी के दोस्तों ने कैंप लगाया जिनमें उनके प्रेसिडेंट साहब ज़फ़र भाई भी मौजूद हैं और उनकी पूरी टीम मौजूद है। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि कम्युनिटी सिस्टम के तहत लोग अपने लोगों को मुस्तफ़ीद कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हमेशा सेहत के शोबे में बड़ी खिदमात अंजाम दी हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत उन तमाम कम्युनिटीज़ को और उन तमाम लोगों को कंपलसेट करना चाहती है जो सेहत के शोबे में, तालीम के शोबे में और दूसरे शोबों में अपने लोगों को मुस्तफ़ीद करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का ये मिशन है कि सेहत आमा तालीम उनकी दहलीज पर दी जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं अंजुमन कौम सिकंदरी के सदर ज़फ़र भाई और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ है, दाने धरने सुकने और जहाँ भी इनको हमारी हुकूमत की ज़रूरत पड़ी तो हम इंशाल्लाह ताला इनका साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद काशिफ साबरानी, चेयरमैन ऑल दाजरान सिंध इतिहाद, आज इस कैंप में हम आए जो अंजुमन कौम सिकंदरी इनकी जानिब से इनके जो सदर हैं ज़फ़र भाई, इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देते हैं जो दांतों का और वैसे जो आई टेस्ट जो बहुत ज़्यादा आपको बताया कि आजकल कॉस्टली है। तो नानकवाड़ा एक मेन इलाका है साउथ का, ये दिल है कराची का, यहाँ सैकड़ों लोगों ने आज विज़िट किया है, सैकड़ों लोग यहाँ से मुफीद होके गए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ज़फ़र भाई नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह कैम्प जो जारी रखेंगे, इनकी पूरी टीम को हम मुबारकबाद देते हैं। सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करता हूँ ये जो हमारा ओल्ड सिटी एरिया है, इसमें ये मेमन बरादरी, काठियावाड़ी बरादरी, जितनी भी यहाँ पर ये बरादरियाँ हैं, ये अपनी जमात के लिए, अपने लोगों के लिए जो स्टेप उठाती हैं, मैं इनको सबसे पहले खराज अकीदत पेश करता हूँ। और इसी तरह ये कौम सिकंदरी वाले ने जो ये कैंप लगाया है यहाँ पर, इनकी एक बरादरी यहाँ भी है और UC 24 में भी है, इस वक्त हम ये UC 23 में खड़े हैं, तो ये है एक आवाम की खिदमत और अपनी कौम की खिदमत। और कौमें बढ़ती जब हैं कि वो अपनी कौमों के जो अपने लोगों के लिए सोचती हैं, जो लोग अपने लोगों के लिए सोचते नहीं हैं उन कौमों के नामो निशान मिट जाते हैं। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस तरह की एक्टिविटी, ख़ास तौर पे हमारे ओल्ड सिटी एरिया में बहुत ज़्यादा ये काम होते हैं, ये ख़ास तौर पे ये
मेडिकल कैंप लगाना, इसी तरह नज़र न्याज के मामलात हैं, बहुत से ऐसे मामलात हैं जिसमें यह कम्युनिटीज़ बहुत आगे होती हैं। और पीपल्स पार्टी का ये भी काम खिदमत है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम आवाम की खिदमत करते हैं। जैसे इन्होंने हमें यहाँ इन्वाइट किया, इसी तरह UC 24 के हमारे सदर हैं अहमद अब्बासी साहब, वहाँ भी ये कौमी अंजुमन अपना कौमी सिकंदरी की काफ़ी आबादी रहती है। और इसी तरह यहाँ पे UC 23 में हमारे शाकिर हुसैन हैं, यहाँ के सदर पीपल्स पार्टी के। तो मैं समझता हूँ हमारे पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे यहाँ पर आवाम के बीच में, जिसका सबूत ये है कि आज ये दोनों यूसी के सदर यहाँ पर मौजूद हैं और ये इनके साथ शाना बशान है। और मैं जफर भाई को भी यकीन दिलाना चाहता हूँ कि भाई हमारे लिए जो भी काम होगा हम आप लोगों के साथ हर वक्त अवेलेबल हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। यूसुफ नाथ साहब, आप भी आज के बारे में कुछ कमेंट दीजिएगा। कॉमर्स सिकंदरी के कैंप है और मैं इनको वेलकम कहता हूँ। और हमारा ये एम है कि कौमें तरक्की करें, और तो कौमें तरक्की करती हैं अपनी सेहत के हिसाब से। और मैं इस मौके पर इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और 250 पेंशन मेरा ख्याल है इस इलाके के बड़ा मसला है। 250 पेंशन अब तक हो चुके हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया।